हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चिराग भट्ट फ्रॉम यूजेनिक्स न्यूट्रिशन और ये है प्रसाद छिरके, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और यूजेनिक्स न्यूट्रिशन के एथलीट। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में, वो है डेडिकेशन। आज मैं कई लोगों को देखता हूँ और मिलता हूँ तो वो उनके सवाल ऐसे होते हैं कि सर मेरे से इतना चिकन नहीं मैं खा पाऊँगा, मैं इतने अंडे नहीं खा पाऊँगा, मैं ये मुझे तकलीफ़ होती है, और बहुत सारे एक्सक्यूजेस होती हैं और उनको बनना है अच्छा बॉडी बिल्डर। सो आज प्रसाद मेरे साथ है, ही हैज़ बीन थ्रू अ लॉट और ही इज़ अ वेरी गुड बॉडी बिल्डर। ही हैज़ अचीव्ड अ वेरी डिसेंट लैंडमार्क और काफ़ी कुछ होना बाकी है। आज मैं प्रसाद की एक स्टोरी आपको यानी प्रसाद के मुंह से आप सुनेंगे कि किस डेडिकेशन से वो आज यहाँ तक पहुँचा। ही वॉज जस्ट 40 किलोज व्हेन ही स्टार्टेड और आज के डेट में वो 80 की वेट कैटेगरी में खेलते हैं बॉडी बिल्डिंग। सो प्रसाद, यस सर, तुम बताओ कि तुम्हारी लाइफ में न्यूट्रिशन में तुमने कितनी जद्दोजहद और कितनी मेहनत की थी। हाय गाइस, न्यूट्रिशन एक बहुत, सबको पता है कि बहुत बड़ा रोल निभाता है आपका बॉडी बिल्डिंग में। एक्चुअल 70% आपका डाइट, 20% आपका वर्कआउट एंड 10% आपकी नाइट रेस्ट। तो 70% डाइट अगर आपको कंज्यूम करना है, कंप्लीट करना है, तो एक तो आपके पास अच्छा कैपिटल चाहिए, अच्छा एक फाइनेंस चाहिए। सेकेंड थिंग, फैमिली सपोर्टिव चाहिए जो आपको उतना सारा खाना बना के दे, क्योंकि आपकी रेस्ट और रिकवरी भी ज़रूरी है कंप्लीट होना। तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि जब मैंने ये सब स्टार्ट किया था, जब डाइट के बारे में वगैरह सब बताया गया, मतलब बहुत सारी अलग चीज़ें भी बताई गई और अच्छी चीज़ें भी बताई गई। तो अच्छी चीज़ें जब बताई गई तब मैंने डाइट स्टार्ट किया, तो उसका कुछ बहुत सारी फ़नी इंसिडेंट्स मेरे साथ में हुए, तो वो भी शेयर करूँगा। शुरुआत करते हम लोग कि मैंने प्रशांत जाधव, जो मेरे फर्स्ट मतलब जिन्होंने मेरे को स्टेज पे खड़ा किया, ठीक है, जिनके अंडर मैंने कंपटीशन जीते। उसके पहले मैं स्टेज पे खड़ा था पर मैं कभी जीतता नहीं था, हारता था हमेशा हारता था। पर उनके अंडर जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मैं जीतना शुरू किया। तो उन्होंने मेरे को राइट डाइट जो होती है वो उन्होंने मेरे को गाइड किया, मेरा इकोनॉमी देख के, मतलब मेरे पास के पैसे देख के कि नहीं प्रसाद इतना ही पैसा कमाता है और इतना ही अफोर्ड कर सकता है, तो उसमें क्या डाइट बैठेगी। तो हम लोग क्या करते थे ना, मैं क्या करता था कि मैं तभी पुणे में रहता था जब मैंने स्टार्ट किया था तभी, तो अंडे वाले के पास था, हमारे यहाँ पे होलसेलर अंडे वाला था एकदम बड़ा सा, तो उसके पास है ना फूटे हुए अंडे मिलते थे, ठीक है, जो फूटे हुए अंडे हैं ना वो और कम प्राइस में मिलते थे, ठीक है। तो मैं वो फूटे हुए अंडे उससे ख़रीदता था। हाँ क्यों? क्योंकि डाइट करनी है और बॉडी बिल्डर बनना है, कुछ अचीव करना है लाइफ में, पैसे नहीं है और पैसे नहीं है, कम पैसे में अचीव करना है, ठीक है। तो वो फूटे हुए अंडे मैं ख़रीदता था, पानी बॉईल करने के लिए रखता था और वो फूटा हुआ अंडा उसमें पूरा फोड़ के वो गिरा देता था, ठीक है। तो जैसे उसके अंदर गिरता था वो एकदम से सॉलिड हो जाता था, फिर उसमें से थोड़ा येलो निकाल के वो वाइट में, वो उबला हुआ वाइट में खाता था। दूसरा चीज़, सैलेड खाना है, ठीक है, स्वीट पोटैटो खाना है, पोटैटो खाना है, ठीक है, फ्रूट्स चाहिए। तो पूना मंडी में शाम के समय, रात के समय जब भी वो बंद होती थी 8 बजे के करीब, ठीक है, 8-9 बजे वो बंद होती थी, तो मैं मेरा दोस्त के साथ हम लोग वॉक चल के मंडी जाते थे। वहाँ से फिर जब बंद होने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सस्ते में, और थोड़े दोस्त बन गए थे वहाँ पे, पहचान के बन गए थे कि नहीं ये बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी देते थे, ठीक है, गाजर, ककड़ी, टमाटर, बहुत सारा मटेरियल मुझे मिलता था वहाँ पे। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है। फिर मैं वो लेके सब कुछ घर पे आता था। अभी चिकन खाना भी ज़रूरी है, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे अभी भी याद है उस दौरान बर्ड फ्लू आया था, ठीक है। तो वो फनी इंसिडेंस है, बर्ड फ्लू के दौरान लिटरली चिकन वाला मुझे मुर्गी ऐसा फ्री में देता था कि नहीं तू ये लेके जा, ऐसे भी कोई लेके नहीं जा रहा, उसने उनको चारा पानी खिलाना पड़ता है मेरे को, तो उससे अच्छे लेके जा भाई तू खा करके। तो मैंने बर्ड फ्लू में भी मैंने चिकन खाया हुआ है। सिंपल लॉजिक है, कुक करने के बाद 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जब हम लोग कुक करते हैं तो उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया ज़िंदा रहेगा, क्या रहेगा,
मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, डू और डाई सिचुएशन। अगर कोच ने बोला, सर ने बोला चिकन खाने का चिकन खाने, उसने बोला मट्टी खाने के मट्टी खाने की, क्यों एथलीट बनना है। तभी भी मैंने, तभी तो मैं बहुत चिकन खाता था, और फिर उसके बाद वापस बर्ड फ्लू गया, वापस फाइनेंशियल इशू थे, ठीक है, डाइट के लिए। तो एक दिन क्या किया ना प्रशांत, मैं ऐसे ही पूछता था सबको किधर होलसेल में मिलेगा, सस्ते में मिलेगा। तो मुझे एक जन ने एड्रेस दिया कि पौड़ में ऐसे ऐसे जगह पे एक गांव में, पौड़ कहाँ पे एग्जैक्टली, पौड़ पुणे से मतलब ऑलमोस्ट मेरे घर से मुझे वो 40 किलोमीटर, वो जो ये था मुर्गी जहाँ पे मिलती थी 40-45 किलोमीटर मेरे घर से दूर था। प्रशांत सर के पास बाइक था, घर से 40 किलोमीटर दूर दोस्तों। हाँ, तो प्रशांत सर के पास बाइक था, तो हम लोग बोले कि सर अपन वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत सस्ते में चिकन मिलता है एकदम होलसेल रेट में, ठीक है, जो मुर्गी वालों को भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो बोले ठीक है चल जाते। तो मैं बोला सर एकदम बड़ा लेवल पे लेके आएंगे, 5 किलो मेरे लिए लाएंगे, आपको कितना चाहिए। सर बोले मेरे को भी 5 किलो लाते। तो मैंने ठीक है, हम लोग निकले एक मॉर्निंग को, सुबह निकले, बाइक निकाला, चले गए ढूंढते ढूंढते ढूंढते, एक बड़ा पोल्ट्री फार्म था, बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म था, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचे, उस बंदे को हम लोग ने बोला कि यहाँ पे मुर्गी मिलती है, हम लोग को पता चला तो हम लोग लेने के लिए आए चिकन। बोला हाँ मिलता है, कितना चाहिए। तो उसने, हम लोग ने, मैंने उसको बता दिया कि 10 किलो चाहिए करके, ठीक है। तो बोला 10 किलो चाहिए, ठीक है। उसने एक कॉस्ट बताया, मैं बोला ठीक है चलेगा, इतना रिजनेबल था, ठीक है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना सस्ता था। तो मैं तो बहुत खुश हो गया, अरे ये 10 किलो मतलब 10 मुर्गी आएगा और मस्त एकदम डाइट वगैरह भी एकदम सॉलिड और ज़ोर से होगा, ये मस्त जगह मिल गई अपने को, सर भी खुश हो गए। वो आदमी ऐसा बहुत दूर तक चल के गया अंदर, और बहुत दूर से ऐसा चल के हाथ में ऐसा मुर्गी लेके आ रहा था, दोनों हाथ में ऐसे मुर्गियाँ। तो मैं बोला सर ये तो काफ़ी मुर्गी आई, और वो वहाँ पे उसने क्लियर किया था कि वो लोग सिर्फ मुर्गी देंगे, वो काट के वगैरह कुछ नहीं देंगे। तो वो हम लोग को पहले से पता था, तो हमें साथ में जाते वक्त चक्कू छुरी ऐसा लेके गया था कि बॉडी बिल्डिंग करते करते कसाई भी बन गया था मैं एक्चुअल में। क्यों बॉडी बिल्डर बनना है, बेस्ट एथलीट बनना है, उतना ही दिमाग में। सर ने बोला डाइट में चिकन होना चाहिए, फिनिश, तो चिकन होना चाहिए। तो वो आ रहा था आ रहा था आ रहा था, एक सर्टन डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद मैं बोला, सर को बोल रहा था सर इसने तो बहुत सारा मुर्गी लाया अभी, ये इतना सारा मुर्गी। सर मेरे को पहले ही बोले भाई वो काटना कूटना है ना वो सब कुछ तू करेगा, मैं सिर्फ मेरा बाइक लेके आ रहा हूँ, ठीक है, हाँ वो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बाकी मैं कुछ नहीं करूँगा और उसके आधे पैसे मैं दूंगा, बाकी वो सब तू देखेगा क्या करेंगे। बोला ठीक है सर चलो। वो जब नज़दीक पहुँचा तब मैंने देखा उसके हाथ में सिर्फ 2 मुर्गियाँ थी, सिर्फ 2 मुर्गियाँ, ठीक है। वो मुर्गियाँ थी, ये पोल्ट्री फार्म में अंडे देने के लिए मुर्गियाँ रहती है बड़ी बड़ी, ठीक है। तो वो जब अंडा देना बंद कर देती है तो उनको वो स्क्रैप में निकालते हैं, और वो मुर्गियों का वजन, एक मुर्गी का वजन था कम से कम एक 6 किलो 6.5 किलो ऐसे, एक मुर्गी का वजन था, मतलब वो ऐसे एकदम बड़ी बदक की साइज की मुर्गी थी, मेरे फोरआर्म्स की तरह उसका गर्दन था, इतना बड़ा सर था। वो मुर्गियाँ चल नहीं सकती, भाग नहीं सकती, एकदम मोटी हैवी पुरानी ऐसी थकी हुई मुर्गियाँ, ठीक है। सर ने देखने के बाद सर बोले अरे मुर्गी मांगा था तू या बदक मांगा था, ये क्या लेके आ गया। मेरे सर बोला तो मुर्गी था, ये बॉडी बिल्डर मुर्गी थी। हाँ मुर्गी बॉडी बिल्डर थी, सिर्फ थक गई थी बेचारी। तो उस बंदे को बोला कि हम लोग को छोटा मुर्गी चाहिए, नहीं क्या इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो बोला नहीं अभी छोटा मतलब यही साइज का रहता है मुर्गी। फिर मेरे को पता चला कि ये जो ओल्ड मुर्गियाँ होती है जिनको अभी स्क्रैप में ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है, तो ये मुर्गियाँ है वो एकदम सस्ते में इसी के लिए ये मुर्गियाँ बेचते हैं। वो पोल्ट्री वाली अपन जो घर पे ब्रॉयलर्स खाते हैं वो मुर्गियाँ नहीं है ये। फिर अभी पैसे तो दे दिए थे, अभी मुर्गियाँ तो लेनी है। ऐसे वो 2 बड़े से थैले लेके गए थे हम लोग बोरे कपड़े के, कि हमें 5-5 किलो चिकन ऐसे भर के लाएंगे घर के। थैली में मुर्गियाँ रखी, एक निकले वहाँ से, गर्मी के दिन थे और वहाँ पे 11 बजे की धूप, मतलब इतनी धूप थी, सब पूरा ऐसा बंजर जैसा थोड़ा सा एरिया था, एक घर दिखा हम लोग को जो बंद था। तो मैं सर को बोला कि सर ये घर के पीछे मुर्गियाँ काटता हूँ, ठीक है, और अपन फिर उनको थैली में डालेंगे और चले जाएंगे, ऐसे जिंदा किधर लेके जाएंगे। तो सर बोले भाई वो छुरी वो चाकू वो तेरे को और ये मुर्गियाँ भी तेरे को, ठीक है, मैंने आधे पैसे दिए फिर भी वो मुर्गियाँ तू ही खा, तू ही बॉडी बना, मैं वो पेड़ के नीचे जाके गाड़ी लेके रुक रहा हूँ, तेरा होएगा तभी आ जा।
मैं बोला ठीक है सर टेंशन मत लो, मैं दो मिनट में मैं काट के वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। ठीक है, गया है उधर, वो मुर्गी लिया, इतना बड़ा मुर्गी, ठीक है, उसके गले पे चक्कू घुमा रहा हो, कटने को तैयार नहीं उसका गला। उसका स्किन इतना थिक हो गया था, ओल्ड एकदम पुराना मुर्गी और एकदम रफ हो गया था वो। फिर बहुत देर हुआ, सर देख रहे हैं, बोले क्या चल रहा है यार, तू इतना देर से क्या कर रहा है, 20 मिनट हो गए और अभी तक तो तेरे से मुर्गी भी कटी नहीं है और बहुत बड़ा शेर बना था तू। अरे बोला सर ये पता नहीं है कौन सी मुर्गी है, क्या खा के आई है, बोले कटी नहीं है ये। फिर कुछ दोस्तों को थोड़ा वियर्ड लगेगा ये वीडियो, आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट, बट क्या करे, एथलीट बनना है, पैसे नहीं है, बॉडी नहीं है, सबसे मेन चीज ये थी। एक पैशन है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना ही है, कुछ भी होने। आप मुर्गी जो आप चिकन खाते हो वो कोई काट के देता है, ये भाई साहब के पास पैसे नहीं थे, इसने खुद काटने की ट्राई की। फिर क्या हुआ? फिर कुछ लड़के आए वहाँ पे गांव के, वो बोले अरे क्या कर रहे इधर तुम, ये सब इधर मत काटो वगैरह, ये हमारा खेत है ये वो, चलो इधर से जाओ करके। फिर क्या, फिर वो मुर्गियाँ वापस थैली में भरी, हाँ, और वो थैलियाँ पकड़ जिंदा थी, जिंदा मुर्गियाँ थी, तो मेरे से तो कटी नहीं वो, ठीक है, हाँ। फिर सर मेरे को बोल रहे कि अरे कौन सा छुरी लेके आए रे तू, छुरी को तेरे धार भी नहीं मुर्गी कटे। अरे मेरा सर धार लगा के लाया था, पता नहीं मुर्गी ने क्या खाया है, मुर्गी कट नहीं रही है। फिर एक है ना ओल्ड अंकल एक आए मेरे पास, बोले क्या हुआ बेटा क्या कर रहे तू, मेरा कुछ नहीं ऐसा मुर्गी लिया था वो काटने के लिए जगह ढूंढ रहा था। तो बोला तू एक काम कर, मेरा घर इधर ही है नीचे की तरफ, तो मेरे घर पे चल, मैं तुझे काट के वगैरह देता हूँ। तो मैं बोला ठीक है चलो अच्छी बात है, हाँ। मैं बोला इनको एक 10-20 रुपए दे दूँगा, ठीक है, काटने के, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था, 20 मिनट तक लगा हुआ था मैं वो मुर्गी काटने के लिए, अपने से तो कुछ हुआ नहीं वो काटने का। पहुँचा वहाँ पे उसके घर के पास, वो दिया उधर उसको मुर्गी, सब कुछ दिया, वो ओल्ड लेडी थी उसकी वाइफ थी, उन्होंने पानी ला के दिया पीने के लिए, बैठे पानी पिए, उस बंदे ने वो मुर्गियाँ काटी वगैरह सब साफ विफ करके हम लोग को अच्छे से टुकड़े करके थैली में भर के दिए। उस बंदे ने मेरे को एक चीज़ पूछा, मेरे को अभी भी याद है, कि आप ये उसका मुर्गी का सर और पैर दोनों लेके जाओगे क्या? मेरा नहीं, वो तो हमारे डाइट में नहीं है, वो तो नहीं खाते हम लोग। तो बोला फिर ये मैं रखूँ क्या? मैं बोला आप क्या करोगे इसका? तो मैंने उनको बोला कि मैं आप क्या करो, मतलब हम लोग तो ये खाएंगे नहीं क्या, हमारा आज का खाना हो जाएगा, मतलब दोस्तों ही इज़ अ फार्मर, ठीक है, और इतना मतलब उनके पास गरीबी था कि वो जो मुर्गी के पैर क्या रहेगा उसके पैर में और सर में, हाँ, उसका वो सब्जी बना के वो लोग खाने वाले थे, उनका वो दोपहर का खाना बन जाएगा, इसके लिए उसने मेरे से वो मुर्गी के 4 पैर और वो सर मांगा था। तो मैं बोला देखो अंकल इसमें सब मटन रखो आप, ठीक है, वो सब खाने की ज़रूरत नहीं, मटन रखो, ठीक है। तो वो इतना खुश हो गया कि उसको हम लोग ने वो मटन दिया। तो और फिर हम लोग ने वो मुर्गी लेके निकले, घर पे आए तो मैं मेरा चाचा का घर मेरे बाजू में था, मैं मेरे घर में अकेला रहता था वहाँ पे, और मेरा चाचा मेरे साइड बाजू में रहता था। तो मेरा चाचा का और मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है, एक्चुअल हम लोग वो दोस्त है बहुत ज़्यादा अच्छे। तो वो बोला कि क्या हुआ रे, मुर्गी लाने गया था, क्या हो गया, लाइक क्या? मेरा लेके आया यार, बहुत बड़ा बड़ा मुर्गी था। अरे बोला पागल, वो सब वो मुर्गी है, वो अंडे दे के जो ख़राब हो जाती, मतलब जो नहीं चलती वो मुर्गी है। मेरा भाई अभी पैसे दे के लेके आया हूँ मैं, अभी इसको कैसा पकाने का वो तू देख, क्योंकि वो जब मैं दोपहर को वर्कआउट के लिए और काम के लिए आता था तभी वो मेरा मील वो बना के रखता, अभी भी मुझे याद है। तो उसने लिया बनाने के लिए वो मुर्गी, ठीक है, मैं चला गया, मुर्गी पकी के नहीं फ्रेश, हाँ फ्रेश होके मैं चला गया ऑफिस, और वो मुर्गी पका रहा है। रात को मैं आया, मैं उसको बोला कि अरे नाना रेडी है क्या खाना, अपने को करने का काकड़ी टमाटर वगैरह, मैंने अपना निकाला फ्रिज में से छिला बिला रेडी, किधर चिकन, बोले काय का चिकन, बोले कौन सा मुर्गी लेके आया था, बोले मुर्गी था या जुरासिक पार्क लेके आया था तू, बोले कुकर में गैस खत्म हो जाएगा, बोले घर का इतना कुकर, बोले 10 सीटी दिया तो भी पका नहीं, बोले वो कौन सा क्या था। फिर मैं बोला यार ऐसा ऐसा था, फिर वो बोला कि यार तेरे को बोला था ना मैं कि वो अंडे दे के खराब हुआ वो मुर्गी रहता है पुराना वाला, जून जो बोलते ओल्ड, जो मीट जल्दी पकता नहीं है वो टाइप में। तो मेरा अभी लाया है, पैसे है नहीं अपने पास बॉयलर खरीद के डाइट में उतना रोज का आधा किलो चिकन खाने के लिए, तो इसके लिए मैंने, पर मैंने उसमें से एक भी बाइट मैंने उसमें से वेस्ट नहीं किया,
क्यों वेस्ट नहीं किया? एक तो बेचारा दो मुर्गी ने मेरे लिए जान दी थी, ठीक है, मेरे बॉडी बिल्डिंग के लिए बड़ा सेक्रीफाइस किया था उन्होंने, और दूसरी चीज़ कि मैं मेरे गेम के साथ इतना कमिटेड हूँ कि नहीं, मुझे खाने का है और मेरे को बनाने का है, बाकी वो मुर्गी ओल्ड है या यंग है उससे लेना देना नहीं, मीट खाने से प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन मिलने से बॉडी बनती है, बस दिमाग में उतना ही, ठीक है। तो मैं वैसा डाइट करता था कि टूटे हुए अंडे, मार्केट बंद होने के टाइम सब्जी, ठीक है, जो केले ज़्यादा पक जाते थे, ठीक है, जो वेस्टेज में वो लोग निकालते थे वो केले में लेके आता था, ठीक है। तो उस टाइप में मैंने अपने को सस्टेन रखा, मैंने गिव अप नहीं किया, बिल्कुल गिव अप नहीं किया, मैंने सस्टेन रखा खुद को, मैं डाइट करता रहा, ठीक है, मैं वर्कआउट करता रहा, बर्ड फ्लू आने दो नहीं तो कुछ भी आने दो, ठीक है। ये मेरे घर से जहाँ पे मैं काम करता था और जहाँ पे मैं वहाँ पे वर्कआउट करता था, तो दोपहर के टाइम पे मैं ऑलमोस्ट मेरे घर से वहाँ तक एक 18 किलोमीटर्स मैं दोपहर को 2 बजे निकलता था धूप में साइकिल पे, ठीक है। और मेरे पास वो साइकिल नहीं थी गियर वियर वाली, मेरे पास नॉर्मल अपनी साइकिल थी, वो साइकिल पे मैं 18 किलोमीटर जाता था, फिर मैं मेरा वहाँ पे वर्कआउट करता था, वर्कआउट ख़त्म करके मैं मील करके फ्लोर पे खड़ा रहता था, ट्रेनर करके मैं वहाँ पे काम करता था, फिर रात को वहाँ से निकलता था एक अराउंड 10 बजे 9 बजे करीब में वो जिम बंद होता था, 9 बजे मैं वहाँ से निकलता, घर पहुँच के फिर मेरा बाकी का मील वील बना के रेस्ट करना है क्या करना है खा के ऐसे में करता था। तभी मैं मतलब अकेला ही रहता था, तो मेरा चाचा मुझे हेल्प करता था कुकिंग में, मैं खुद कुकिंग करता था, मेरे प्रॉपर जितना पॉसिबल हो, जितना प्रशांत सर ने मेरे को गाइड किया था उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट फॉलो करने की कोशिश करता था मैं, और फिर जीतने लगा था, कॉन्टेस्ट करने लगा था। तो ये मेरा वो एक फ़नी स्टोरी है। ये ऐसी फ़नी स्टोरी आपके साथ ना हो, बट कभी अगली बार ऐसी पुरानी बूढ़ी मुर्गियाँ आपको मिलें और कुकर में सीटी पका पका के अगर आप थक जाए तो थोड़ा एक थोड़ा आइडिया आप कीजिए, आप क्या कीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा डाल दीजिए उसमें तो मुर्गी जल्दी पकेगी। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है वो सर बताएंगे, ठीक है। नहीं वो ये बेसिकली ये जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। Moral of the story is no excuses. Believe in yourself. You just have to believe in yourself and you got to do what you got to do. Yes. Okay? No excuses. See you guys. Bye. Take care. See you.